देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। इश्क में तेरे पूछो रहा हाल मेरा, धीरे धीरे चुपके से चोरी चोरी हर इंतजार मुझे तेरा। कैसे चोरी चोरी होने इंतजार मुझे तेरा, धीरे धीरे चुप कैसे चोरी चोरी होने इंतजार मुझे तेरा। नहीं हो लगदा दिल तेरे बिना, धीरे धीरे चुप कैसे चोरी चोरी होने इंतजार मुझे तेरा, धीरे धीरे चुप कैसे चोरी चोरी होने इंतजार मुझे तेरा।
रिसेप्शन पे तो कोई भी नहीं है। ऐसे कैसे कोई नहीं, इधर कोई होगा। एक्सक्यूज मी, इज देयर एनीवन? ए, क्या कर रही हो? सृष्टि, कोई आ जाएगा? अरे इनका लैपटॉप चेक कर रही हूँ, लेकिन इसमें लॉक कोड है। एक मिनट इनका रजिस्टर चेक करती हूँ, पता तो चले कि करण जीजू और दी का रूम नंबर क्या है यार। लेकिन तू ऐसे करेगी तो कोई आ जाएगा, मेरी बात को कोई सवाल करेगा। आप यहाँ मेरी जगह पे क्या कर रही हैं? आपका काम, क्योंकि आप यहाँ नहीं थे। आई एम सॉरी, हमें करण जीजू और प्रीता दी का रूम नंबर जानना था। ओ मैम, पर हम ऐसे किसी की इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करते हैं। नहीं, आई अंडरस्टैंड, दैट्स अ गुड थिंग, बट मैं एक मिनट आपको ना, ये देखिए, ये मेरा छोटा भाई है और ये उनकी वाइफ है। या, आई कैन रिकॉग्नाइज हर, या लेट मी चेक। हाँ ओके, द रूम नंबर इज 102। आइए सर, मैम, मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ। दैट्स वेरी स्वीट ऑफ यू, प्लीज कम। वेलकम, कम। कितना इंटरेस्टिंग फूड लग रहा है। जब बनाने में इतना मजा आ रहा है तो खाने में कितना मजा आएगा। देखने में कितना टेस्टी लग रहा है, मैं इसे पक्का ट्राई करने वाली हूँ। आकाश, आकाश, तुम्हें कुछ फील हो रहा है क्या? हो रहा है, थकान। अरे यार, लग रहा है हीटर कुछ खराब हो गया क्या, बहुत गर्मी सा फील हो रहा है। यार क्या दिक्कत है तुम्हें, सोने क्यों नहीं दे रही हो यार? अरे यार, तुम्हें जब देखो जब सोना रहता है, उठो ना, मुझे बहुत गर्मी फील हो रहा है। जाके देखो क्या हो गया। ओहो, मैं खुद जाती हूँ, आज मैं मैनेजर से बात करके रहूंगी। ऐसे वहाँ नेटवर्क में प्रॉब्लम हो गई, अब यहाँ हीटर में। हम मनाली में घूमने आए हैं कि तकलीफों का भंडारा लेने आए हैं? आज तुम्हें पूछ के रहूंगी। ओहो, अभी मेरा स्लीपर कहाँ चला गया? इतनी आग कैसे लग गई? पूरे रूम में आग लग गई है। करण, मुझे डर लग रहा है। God damn it! नेटवर्क नेटवर्क अभी तक नहीं। एक मिनट, कुछ तो गड़बड़ है। ये धुआं कहाँ से? आग लगी है क्या? आग लगी। Oh my God! अरे ये Just wait and watch, Roxy.
सब कुछ कुछ ही पल में चल के राख हो जाएगा। इसी पल का तो इंतजार था। तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। प्रीता एक काम करो, निकलना मत। प्रीता एक काम करो, वॉशरूम से टॉवल लो, उसके ऊपर पानी डालो और ओढ़ के बाहर आ जाओ। सिक्योरिटी, आप उनको बुलाइए। नेटवर्क नहीं आ। त्रिशम जी कर रहे थे, छोड़ दे। जल्दी फायर एक्सटिंग्विशर लेकर आइए। मंजर होगा। एक मिनट। अरे रुक जाइए, ऐसे मत जाइए, आग लगी है, कुछ हो जाएगा। अरे मेरा पूरा परिवार ऊपर है। 102 रूम नंबर कहाँ है? सर आप आंसर देख दे, चलिए। सर वो लोग रास्ते में है, बस 2 मिनट में पहुंच रहे होंगे। आप लोग प्लीज आगे मत जाइए, अगर आप आगे बढ़े तो फंस जाएंगे और फिर सिचुएशन को हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो प्लीज आई बेग ऑफ यू ऑल, इन सब में बहुत देर हो जाएगी। फायर ब्रिगेड वालों को पहले आप लोगों को बचाना होगा और उसके बाद ही वो करण, प्रीता और बाकियों को बचाने जा पाएंगे। सो प्लीज आप बाहर आ जाइए कॉरिडोर से। ओके ओके ओके, भैया सही बोले। ठीक हो, बचा तो लेंगे ना। जी जी जरूर मैम। चलो चलो चलो, थैंक यू सो मच। प्लीज थोड़ा टाइम दीजिए, प्लीज आप कॉरिडोर से बाहर आ जाइए, बहुत आग फैल गई है। प्रीता रुको, ये ले लेता हूं मैं। पता नहीं आग कैसे लग गई यहाँ पे। ये सोफे को संभाल के। प्लीज आप सब बाहर आइए, प्लीज। आग लगी है, बहुत ज्यादा आग लगी है। प्लीज प्लीज जल्दी आइए, जल्दी 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 प्लीज प्लीज मत, नीचे आ जाइए, वहाँ खतरा है। अरे ये सब क्या हो रहा है? हमारी फैमिली अंदर है, सामान भी हमारा सारा पड़ा हुआ है, फोन में नेटवर्क भी नहीं है। देखिए फायर ब्रिगेड वाले आ रहे हैं, वो लोग जल्दी आग बुझा देंगे, थोड़ी पेशेंस रखिए प्लीज। आप लोग कोऑपरेट करिए। अरे आप लोग प्लीज यहाँ पे खड़े होकर तमाशा क्या देख रहे हैं यार? 102 के बाद लॉक करके देखिए ना। यस सर, एक बार देखिए प्लीज जल्दी। गाइस प्लीज डोंट पैनिक, सब कुछ ठीक हो जाएगा प्लीज। ओके एक बार सब ठीक हो जाएगा ना तो हम सारे ऊपर जा सकते हैं। आप लोग प्लीज बाहर चलिए। मैम होटल की एक साइड में ही आग लगी है, दूसरी साइड बिल्कुल सेफ है, हम इधर रुक सकते हैं। अरे लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि आग यहाँ तक नहीं फैलेगी? करेक्ट है ना, अभी सेफ है लेकिन आग का पहुंचे मालूम नहीं ना। प्लीज आप लोग सब बाहर जाओ, सबकी सेफ्टी के लिए प्लीज। जब सब नॉर्मल हो जाएगा ना तब करेंगे। एक बार ऊपर चेक करो ना प्लीज। 102 के बाहर देखिए, करण रुको, चाओ कोई है? ओह माय गॉड, चाओ, बचाओ इन दोनों को, बचाओ। ये इन दोनों को तो बचाना पड़ेगा। नहीं हाँ सुनो, रुको, ध्यान से, बाहर भी आग लगी हुई है। सुनो नेहा, वो ब्लैंकेट के ऊपर पानी डालो और बाहर आ जाओ। शोर शोर लो शोर, जल्दी जल्दी करो। इनके रूम में अंदर भी आग लगी है। सुनो ये लो, यही ब्लैंकेट लो, इससे उड़ के बाहर आ जाओ। हाँ ये लो, चल 1 2 3। आ गए इधर, आ गए। चलो संभाल के, वहां वहां देखो, वहां देखो, इधर आओ इधर आओ इधर आओ, पीछे संभालो पीछे संभालो, आगे इधर आओ, वहां पीछे भी आ गए, संभाल के। छोड़ दो इस ब्लैंकेट को, छोड़ छोड़ भागो। जल्दी आओ, फायर एक्सटिंग्विशर लेकर आओ, जल्दी जल्दी। इधर लगी आग, बाहर जाइए, कॉरिडोर से बाहर जाइए, कोई भी रुकेगा नहीं, बाहर जाइए। इट्स टाइम टू सेलिब्रेट। एक बीयर तो बनती है। ऑफ कोर्स बीयर।
थैंक गॉड हम बाल बाल बच गए। रिसॉर्ट में बहुत भयंकर आग लगी है। सुनिए जी, आपके पास कार है क्या? प्लीज प्लीज हमें भी ले चलिए ना, वो एक्चुअली रिसॉर्ट में बहुत भयंकर आग लगी है। ओके, तो ये काम भी तुम लोगों का है? जी हाँ, पुराना वाला प्लान भी मेरा ही था। तुम्हारी जान लेना चाहती थी मैं। करण, तुम्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। हाँ, अब अगर तुम मेरे होते तो जिंदगी बहुत अच्छे से गुजारते, लेकिन अब मेरे नहीं हो तो जिंदगी भी नहीं है। तुमने करण की जान लेने की कोशिश की, हाँ? तुम्हारी वजह से हमने इतना कुछ सहा। तुम्हें क्या लगता है, हाँ? तुम किसी की किस्मत का लिखा बदल सकती हो? नहीं, देखो तुम्हारे सामने खड़ा है करण। चाहे तुमने कुछ भी कोशिश की हो, माता रानी ने उसे बचा लिया और आज भी तुम दोनों कुछ भी करो लेकिन माता रानी मेरे करण को मुझसे दूर नहीं करेंगे। बचा लिया? तुम पागल हो क्या प्रीता, या तुम्हारे आंखों में पावर आ गया है? तुम्हें दिख नहीं रहा है करण गन पॉइंट में है। और रिवॉल्वर रॉक्सी के हाथों में है। इसकी जान तो गई। सॉरी बड़ी, इस बार मेरा तुझे मारने का कोई प्लान ही नहीं था, बट क्या करूं यार, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है ना। अगर तुझे छोड़ दूंगा तो मैं मर जाऊंगा, और अगर मैं बच भी गया ना तो मेरी जिंदगी तेरी जैसी खुशकिस्मत नहीं है। मैं तेरी तरह ऐसे नहीं जीऊंगा, जीऊंगा भी तो सलाखों के पीछे। आई डोंट लाइक। तो हम चारों में से किसी दो को बचना होगा, करण पीता या मैं और नताशा। And of course, babe, जिएंगे तो हम ही ना। ओ हेलो, तुम लोग का दिमाग खराब हो गया है क्या, या फिर पागल खाने से आए हो? क्या है ये सब? चुप रहो, देख नहीं रहे हो गाने उनके पास? चुप। तुम नहीं समझोगे आकाश, इन लोगों को डर लग रहा है हम लोगों से। हिम्मत है तो गन हटा के बात करो ना, फिर बताते हैं तुम लोगों को। श्रीता, तुम कब से ऐसे कार्टून फ्रेंड्स बनाने लग गई? एयू, चुप। खबरदार। प्रीता हट दो, क्या कर रहे हो? सीधा खड़ा रहे, अगर थोड़ा सा भी ना तो मेरी गोली भी हिल जाएगी सीधा तेरे सीने में। प्रीता तुम पागल हो गई, तुम हट दो यहाँ से। अब तेरा आखिरी वक्त आ गया, अपने घर वालों को याद कर। प्रीता हट दो यहाँ से, क्या कर? रॉक्सी, नहीं, प्रीता इसको संभालो। आकाश, आकाश वहाँ पे एक्शन फाइट हो रही है, जाओ ना तुम उनके हेल्प करो ना, जाओ ना आकाश। अरे नहीं, वो तो मैं बीच में जाके तुम्हारा बैथ क्यों खराब करूंगा, और वैसे भी प्रीता जी के बीच में मैं जाके उनकी हेल्प करूंगा तो लड़कियों के बीच में मर्द जाएगा तो गलत नहीं होगा। और करण जी तो है ही सुपर हीरो, तो मैं जाऊंगा तो मेरा मजाक नहीं उड़ जाएगा। तुमसे कुछ नहीं हो सकता, बस तुमसे बहाने करवा लो, कुछ नहीं होता तुमसे। मैं खुद जा रही हूँ, हटो यहाँ से। अरे यार, जान लेने की कोशिश की, आज तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं। डरा नहीं आया होगा? छोड़ बंधु, छोड़, डरा नहीं आया है यहाँ पे तू? नेहा, चलो चलो।
ऐसे, इन दोनों को अरेस्ट कर लीजिए। इन दोनों को आग लगाइए जोन में। छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। लेके जाइए इनको। आप सब देख सकते हैं, द मोस्ट वांटेड क्रिमिनल रॉक्सी, जिसे कब से पुलिस ढूंढ रही थी, वो आज अरेस्ट हो गया है। मनाली के इस रिजॉर्ट में रॉक्सी और उसकी गर्लफ्रेंड ने मिलकर आग लगा दी थी, लेकिन अब सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। फायर ब्रिगेड वाले आ गए हैं और आग बुझा रहे हैं। आप लोग टेंशन मत लीजिए, रिलैक्स एवरीवन।